समीपस्थ ग्राम कुर्रा की होनहार बेटी पायल बंदे ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल परीक्षा में 96.16% अंक प्राप्त कर अपने माता पिता व गांव सहित पूरे क्षेत्र का नाम भी गौरवान्वित किया है। ज्ञात हो कि पायल नवपारा स्थित अंग्रेजी माध्यम की नवकार पब्लिक स्कूल की छात्रा है, जिसने अपने संस्था के शिक्षकों के मार्गदर्शन व माता पिता के सहयोग से यह अंक हासिल किया है। पायल के पिता वेयरहाउस में काम करते हैं तो उनकी माता राजिम के कोमा गांव में स्कूल में पदस्थ है। प्रारंभ से ही मेधावी रही पायल बड़ी होकर इंजीनियर बन देश की विकास में सहयोग प्रदान करना चाहती है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व शिक्षकों को दिया है। पायल कहती है कि स्कूल बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए वह प्रारंभ से ही मन में ठान ली थी। इसके लिए उन्होंने घर में समय सारिणी का निर्धारण किया और सभी विषय की प्रतिदिन पढ़ाई करती रही। वहीं जिन विषयों में समस्या आती थी उन्हें वे अपने शिक्षक के माध्यम से दूर करती थी। वह कहती है कि अगर अपने मन में कोई लक्ष्य हो तो आप उसे अवश्य हासिल कर सकते हैं, बशर्ते जरूरी है कठिन मेहनत, ईमानदारी और सच्ची निष्ठा। गांव में कोचिंग सुविधा न होने के चलते ये खुद से ही मेहनत करते थे और शंका होने पर अपने शिक्षकों से व माता पिता से उसका समाधान पूछा करते थे। संस्था के संचालक सुशील बोथरा व प्राचार्य मधु बोथरा ने छात्रा की सफलता पर अपनी शुभकामनाएं भेंट की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वहीं साथ में पायल के सहपाठी छात्र छात्राओं ने भी उन्हें बधाई प्रेषित किया है। हमारे साथ पायल बंदे यहाँ पर है, कुर्रा गांव से छात्र है। जी बताइए, आप कौन से विद्यालय में पढ़ती थी, कितना परसेंट आया? मैं नवकार पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरा एट टेंथ 96.16% आया है। आपने ये सफलता कैसे हासिल की, इसके पीछे की जो मेहनत है वो बताइए उसके बारे में। मेहनत का पूरा श्रेय तो मैं अपने माता पिता और स्कूल के शिक्षकों को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी मदद से ही मैंने ये सफलता हासिल की है। जी, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। बट अभी जो 9 से 10 में बच्चे आ रहे हैं, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपके जैसे इतने अच्छे नंबर, इतने अच्छे परसेंट लेकर आए? मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर वे कुछ करना चाहते हैं तो अपना पूरा फोकस अपने गोल पर करें। जी, आपके शिक्षकों ने इसमें बहुत बड़ी योगदान दी होगी सफलता के पीछे। यस सर, मेरे शिक्षकों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, हर एक तरीके से मुझे नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश की थी उन्होंने, जिसके कारण मैं इतनी सफल हो पाई हूँ। इस तरह कुर्रा गाँव की एक और बेटी झरना ने भी हाई स्कूल परीक्षा में अपने ज्ञान कौशल का लोहा मनाते हुए अच्छा प्रदर्शन कर कुर्रा गांव का नाम रोशन किया है। झरना पिपरौत के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए 91.16% अंक हासिल किया है। झरना बड़ी होकर एक सफल IAS अफसर बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है। इनकी सफलता पर संस्था के प्राचार्य दीपिका साहू, नीतू वर्मा, DP साहू, दुर्गेश्वरी देवांगन, विधोत्मा भोई और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने बधाई प्रेषित की है। झरना साहू है जी। झरना बताइए, आप कौन से स्कूल की छात्रा रही हैं और कितना परसेंट आपने बनाया है? मैं हायर सेकेंडरी ऑफ स्कूल पिपरौत की हूँ और मैं 10th में पढ़ती हूँ। 10th में मेरा 91.16% बना है और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देती हूँ। आगे आप क्या बनना चाहती हूँ? मैं आगे IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। किस तरीके से आपने इतना अच्छा अंक हासिल किया, कोई आपने टाइम टेबल का निर्धारण, किस तरीके से आपने मतलब ये अच्छी अंक हासिल किए इसके बारे में बताइए। मैं मेरे भैया से टाइम टेबल बनवाई हूँ, जिससे मैं टाइम टेबल का पालन कर रही थी और ये सब करते हुए मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। बाकी जो और भी बच्चे अभी 10th में आएंगे 9 से, उन सबको क्या संदेश देना चाहती कि वो आपके जैसे अच्छे अंक ला सकें? वो टाइम टेबल का निर्धारण करें, उनका पालन करें और अपने गुरुजनों से जो होमवर्क मिलता है उनको पूरा करें और घर में स्टडी करें। कुर्रा गांव की इन बेटियों की हाई स्कूल परीक्षा में जबरदस्त सफलता पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि इस बार भी बेटियों ने बाकी वर्षों की तरह हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में अपना दबदबा कायम रखा है। अभनपुर विकासखंड से भी शिवानी गांव का एक बालक वीरेंद्र तारक टॉप 10 में शामिल हुआ है, जिससे हम सभी विकासखंड वासी काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं DNX TV के माध्यम से कुर्रा गांव की पायल व झरना सहित सभी छात्र छात्राओं को उनकी सफलता पर बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। DNX TV के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट।